जम्मू काश्मीर रे विधानसभा निर्वाचन पर 370 धारा फेराई आणिबापाई दाबी पूर्णी बढ़िवारे लागिछि। विधानसभा प्रथम अधिवेशन रे पीडीपी विधायक वाहिद पारा मध्य धारा 370 फेराई आणिबापाई प्रस्ताव देइछंती। ए प्रस्ताव को नै बीजेपी एवं पीडीपी विधायकों मध्ये बहु वितर्क होइथिला। वास्तव में विधानसभा रे पीडीपी विधायक वाहिद पारा कहिछंती जे जम्मू काश्मीर स्वतंत्र राज्यर पुनरुद्धार सहित 370 धारा मध्य पुनरुद्धार करा जिबा उचित। तेबे वाहिद पारंक एक प्रस्ताव को 28 जन बीजेपी विधायक विरोध करी विधानसभा रे हट्टगोल सृष्टि करथिले। वाहिद पारा जम्मू काश्मीर पुलवामा आसन रु विधायक अछंती। यहा संभव कि पीडीपी विधायक ए प्रस्ताव जम्मू काश्मीर विधानसभा रखिछंती? ए प्रस्ताव एक आईन हेबा प्राय असंभव अटे। वास्तव में जदि एक आईनगत दृष्टिकोण देखा जाए, जदि कौनसी सरकार 370 धारा फेराई आणिबाकु चाहंती, तेबे एहा केवल राष्ट्रपति आदेश एवं संसद संकल्प द्वारा कार्यकारी हो पारिबो। तेबे एहा जम्मू काश्मीर विधानसभा सहमति आवश्यक करे, जहां एक केन्द्रशासित अंचल होइतिबारु एहा एक बड़ आईनगत तथा राजनीतिक आह्वान हो पारे। एहा व्यतीत जदि कौनसी सरकार भविष्य में पदक्षेप नेबाकु चेष्टा करती, तेबे एहाकु अनेक सांविधानिक एवं आईनगत बाधाविघ्नर सम्मुखीन होबाकु पड़िपारे। विधानसभा प्रस्ताव गुड़िक केते क्षमता बहन करे? विधानसभा उपस्थापित प्रस्ताव गुड़िक साधारणतः बाध्यतामूलक नुहे एवं एक प्रसंग रे आलोचना को अंतर्भुक्त करे किंबा सरकार तरफ किसी कार्य करने को सुपारिश करे। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े विधायक एक निर्दिष्ट नीति किंबा नियम विरुद्ध विरोध पंजीकरण करती, तेबे से विधानसभा एक संकल्प उपस्थापन करें, जपरी पीडीपी विधायक वाहिद पारा कही, किंतु यह सरकार के ऊपर कौन सी आईनगत चाप पकाइब नहीं। बेरे रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।